नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के निकटवर्ती गांव कंकराड़ी और मांडो गांव में बादल फटने से दो मकान ध्वस्त हो गए। बादल फटने से दो महिला और एक 3 साल की बच्ची की जान चली गई। गांव के और 3 लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू टीमें गांव पहुंचकर लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। डीएम मयूर दीक्षित इस रेस्क्यू अभियान पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। तो बादल फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें दो मकान ढह गए, कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं। रेस्क्यू अभी भी लोगों के लिए जारी है, लोगों का रेस्क्यू अभी भी किया जा रहा है। तो 3 लोगों की मौत हो गई है बादल फटने के चलते। उत्तरकाशी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो उत्तरकाशी में ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बादल फटने के चलते 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए पूरी तरह से। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबा ढहने की वजह से ट्रक तक फंसे हुए हैं, लोगों के आवागमन बाधित हो गए हैं। कल 8-9 बजे के बीच में मांडो कंकराड़ी के ऊपर की तरफ काफ़ी अतिवृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी क्षति मांडो गाँव में हुई है, प्लस जो कंकराड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी हुई है। हमारे कुछ रास्ते इस एरिया में बंद भी हो रखे हैं और अभी भी पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। इसमें 3 लोगों की जान गई है अभी तक, जो हमको रिपोर्ट मिली है, और रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है। 2-3 घरों को क्षति भी हुई है, रास्ते खोलने का काम चल रहा है, बिजली आपूर्ति का काम आधा हो चुका है, पेयजल की लाइनें कुछ क्षति हैं उनको भी हम ठीक करा रहे हैं और राशन वितरित करा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है हम नॉर्मल सी लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उत्तरकाशी में बादल फटने के चलते मकान क्षतिग्रस्त हो गए दो, और उसके चलते ही कई लोग की जान चली गई। 3 लोग जिसमें जिनकी जान गई है, वही कई लोग घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं वो नीचे गिर गए, जिससे मलबा सड़कों पर जम गया है और आवागमन भी बाधित हो गया है। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, अभी क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में? क्या और लोगों को निकालने की कवायद की जा रही है? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि रविवार को देर रात उत्तरकाशी जिले में देर शाम हुई बारिश की कहर बनकर टूटी है। और आपको ये भी बता दूं कि मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मीराकोट और कंकराणी और मांडो में बादल फटने के बाद उफान के साथ आया मलबा घरों में घुस गया था। इससे 2 मकान और 1 मोटर पुल, कई पैदल मार्ग ध्वस्त हो गए हैं, जबकि 2 महिला और 3 साल की बच्ची समेत 4 ग्रामीण लापता होने की सूचना है। वहीं प्रीति, मैं आपको बता दूं कि 3 घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है और बचाव राहत का कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि अंधेरा होने के कारण टीम को कल परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर धामी ने हादसे पर दुख जताते हुए डीएम को प्राथमिकता के आधार पर बचाव और राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हालांकि मलबा ढहने की वजह से रास्ते का जो आवागमन है वो बाधित हो रहा है। वहीं और लोगों के फंसे होने की आशंका के आधार पर ही, क्योंकि रात को यह हादसा हुआ था, तो ये जानना जरूरी है कि और लोग तो इसमें नहीं फंसे हुए हैं, जिसको लेकर अभियान लगातार चलाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों चमोली भ्रमण पर हैं। बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री जोशीमठ में भविष्य बद्री सड़क मार्ग से पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद पूर्व सीएम ने सुभाई गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की और अपने 4 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया। वहीं बद्रीनाथ विधायक का कहना है कि भविष्य बद्री तक सड़क पहुंच गई है, उससे उनका सपना भी पूरा हो गया। साथ ही भविष्य बद्री सड़क मार्ग में डामरीकरण का कार्य भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। हरिद्वार के मंगलौर में ग्रामीणों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का पुतला दहन किया। ग्रामीणों ने उन पर झूठा आश्वासन देने का आरोप लगाया है। पूर्व में गांव हल्लू माजरा में मारे गए सैनी समाज के व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री रहे मदन कौशिक द्वारा
ढाई ढाई लाख रुपए देने का वादा किया गया था, पर कई साल बीत जाने के बाद भी मृतक के परिवार वालों को अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। सैनी समाज के युवा कार्यकर्ताओं ने सीधा सीधा भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि अगर मृतक के परिवार वालों को मुआवजा जल्द नहीं दिया जाता है तो सैनी समाज हरिद्वार जिले में मिलकर गाँव दर गाँव आंदोलन और बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और जिसका परिणाम आने वाले आगामी चुनाव में बीजेपी सरकार को दिखाएंगे। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का पुतला फूंका गया। बता दें कि लोगों में रोष है, कार्यकर्ताओं का सीधा सीधा कहना है कि सैनी समाज के कि उन्होंने आरोप लगाया कि अगर मृतक के परिवार वालों को मुआवजा जल्द नहीं दिया गया तो सैनी समाज हरिद्वार जिले में मिलकर गांव गांव जाकर आंदोलन करेगा और बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसका परिणाम आने वाले आगामी चुनाव में बीजेपी सरकार को दिखाएंगे। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 19 संक्रमित मिले हैं, वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है जबकि 52 मरीजों के ठीक होने के बाद घर भेजा गया है उन्हें। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो सक्रिय मामलों की संख्या घट के 623 पहुंच गई है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में 25 फरवरी को 17 केस दर्ज किए गए थे, इसके बाद से लगातार केस बढ़ रहे थे। दूसरी लहर का प्रभाव कम होने के साथ ही अब केस की संख्या भी घटने लगी है। प्रदेश में कुल 19 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 19 संक्रमित मरीज मिले हैं, लगातार मामलों की संख्या घट रही है। उत्तराखंड में भी 25 फरवरी को 17 नए केस दर्ज किए गए थे, इसके बाद से लगातार केस बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लहर का प्रभाव जो है कम होने के साथ ही अब केस की संख्या भी घटने लगी है। प्रदेश में कुल 19 कोरोना के मामले सामने आए हैं, संख्या घट रही है लेकिन लगातार मामले जो है वो मिल रहे हैं। उत्तराखंड में कम होते जा रहे कोरोना के मामलों के बावजूद सरकार बहुत ज्यादा ढिलाई देने के मूड में नहीं है। शासन के सूत्रों के मुताबिक कोविड कर्फ्यू 27 जुलाई तक बढ़ सकता है, इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग आज SOP जारी करेगा। तो SOP जारी की जाएगी जिसके जरिए ये कोविड पर नियंत्रण के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। तो कोरोना के मामले कम हो रहे हैं लेकिन अभी भी सतर्कता बरतनी जरूरी है। तो उसी को लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत जो छूट दी गई है उसको कम किया जाएगा या थोड़ा नियमों में और भी ज्यादा प्रतिबंध लग सकते हैं। कोरोना अनलॉक जो हुआ है उसमें हो सकता है कि एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति हो जिसमें कुछ चीज़ों को एक बार फिर लॉक किया जाए, इस स्थिति में SOP तैयार की जाएगी। तो कोरोना के मामले और उत्तराखंड में स्थिति को देखते हुए, तीसरी लहर की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए SOP तैयार की जाएगी जिसके माध्यम से अनलॉक की जो स्थिति हुई है उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। इस खबर पर शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, SOP तैयार करने की बात हो रही है, क्या लगता है क्या कुछ नियमों में बदलाव हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार देहरादून के बाद या उत्तराखंड की बात करूँ, लगातार यहाँ कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर्यटक बढ़ता जा रहे हैं, चाहे वो ऋषिकेश की बात करें, चाहे नैनीताल की बात करें, चाहे मसूरी की बात करें, लगातार पर्यटक बढ़ता जा रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए और साथ ही साथ तीसरी लहर की बात जो की जा रही है उसे देखते हुए जो है कोरोना का कहीं ना कहीं कर्फ्यू को जो है ये है इससे SOP में और कर्फ्यू को कहीं ना कहीं 27 से बढ़ाने की बात चल रही है जिससे कई चीजों में छूट दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पर्यटक आ रहे हैं उसे देखते हुए SOP की जारी करते हुए जो है कहीं ना कहीं अब 27 तक कोविड कर्फ्यू बढ़ाने की बात की जा रही है। जी ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पर्यटकों का आवागमन बढ़ गया है, केसेस में कमी आई है, हालांकि केसेस सामने फिर भी आ रहे हैं, कम आ रहे हैं लेकिन लगातार निरंतर केसेस सामने आते जा रहे हैं जिसको देखते हुए SOP तैयार की जाएगी, इसमें कोरोना को लेकर और भी ज्यादा सख्ती बरती जा सकती है।
वहीं बढ़ते हैं आगे। नैनीताल के लालकुआं में ईद के त्यौहार को लेकर प्रशासन ने सभी धर्म के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें बकरीद को शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। बता दें कि बकरा ईद के त्यौहार को लेकर कोतवाली परिसर में उप जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कुर्बानी एवं अन्य मामलों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थानीय नगर पंचायत प्रशासन को बकरा ईद के दिन सफाई व्यवस्था, चौक चौबंद और अतिरिक्त पानी व्यवस्था व कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी के मद्देनजर सावधानी बरतने की बात कही, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने एवं भीड़भाड़ न करने की अपील की है। 21 जुलाई को ईद का त्यौहार है और साथ में कोविड भी है, तो इन दोनों परिस्थितियों के मद्देनजर ईद का त्यौहार भी मनाया जाए, सुरक्षा से, कुशलता से, सफाई से मनाया जाए, इसके लिए एक पीस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें मैं सीओ साहब भी, इंस्पेक्टर साहब भी और नगर पंचायत के चेयरमैन साहब भी उपस्थित थे। मुख्य रूप से जो इसमें निर्देश कहना चाहिए या सुझाव कहना चाहिए वो ये दिया गया है कि साफ़ सफाई इन क्षेत्रों में जो है ईद का त्यौहार मनाया जाना है, साफ़ सफाई अच्छी रहे, वहाँ पानी की निरंतर आपूर्ति रहे, बिजली की आपूर्ति रहे, ताकि लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए। हरिद्वार के श्यामापुर क्षेत्र की रवासा नदी में दिन ढलते ही अवैध खनन का खेल शुरू हो जाता है। जी हां, बेखौफ खनन माफियाओं द्वारा लगातार इस नदी से खनन का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली के बजाय बुग्गी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किसी को इसकी भनक ना लगे, लेकिन खनन माफियाओं की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो हरिद्वार वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता इंतजार जुड़ चुके हैं। इंतजार, मैं आपसे आना चाहूंगी, किस तरह से ये जो खनन का जो कार्य हो रहा है, कालाबाजारी की जा रही है, इस पर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? साथ ही अभी तक अधिकारियों ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो ये मामला है ये लालडांग क्षेत्र का मामला है, थाना श्यामपुर का मामला है, जहाँ जो ये नदी है इससे खनन का जो कार्य है वो किया जा रहा है। तो वैसे जिला प्रशासन ने खनन के ऊपर यहाँ रोक लगा रखी है, लेकिन जो ट्रैक्टर ट्रॉली है और जोटा बुग्गी वगैरह है और कुछ भैंसा बुग्गी वगैरह है, तो इस तरह के जो संसाधनों से लोग खनन के इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और वन विभाग की जो चौकियां हैं, वन विभाग के जो अधिकारी हैं और जो कार्यवाहक जो भी अधिकारी हैं, वो सब इससे अंजाम बने हुए हैं और सब लोग चौकियों से होकर के ये खनन गुजरता है और ये करेसर तक पहुंचता है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई इन पर नहीं हो पाती है, जिससे जो बाढ़ जो क्षेत्र है और मिट्टी कटाव का जो क्षेत्र है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। जी, लेकिन अधिकारियों का क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुई? इंतजार, आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो संबंधित अधिकारी है, चाहे वो विभाग के अधिकारी हो, चाहे वो खनन क्षेत्र के अधिकारी हो, सभी से लगातार संपर्क किया गया है, लेकिन आश्वासन तो दिया जाता है कार्रवाई का, लेकिन किसी तरह की रोक इन खनन माफियाओं पर अभी तक नहीं लगाई पाई है। जी ठीक है, इंतजार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खनन माफियाओं का ये अवैध खनन का कारोबार लगातार धड़ल्ले से चल रहा है और अब ट्रैक्टर की मदद ना लेके बैलगाड़ियों की मदद ली जाती है ताकि आवाज ना आए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद भी अधिकारी मौन धरे हुए हैं इस पूरी खबर पर। हरिद्वार के केंद्रीय उपभोक्ता भंडार के चेयरमैन की दबंगई का एक मामला सामने आया। दरअसल विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी रोहित पाल ने चेयरमैन पर यह आरोप लगाया है कि उनके कहने पर विभाग के कुछ कर्मचारी उसके घर में घुस गए और घर में मौजूद उसकी दादी को धमकी दी और झूठे मुकदमे में फंसाने की बात भी कही। पीड़ित रोहित पाल का कहना है कि मैंने इसकी शिकायत SSP से भी की है। पीड़ित का कहना है कि अगर मुझे जल्द ही इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। समय सर, मेरी यहाँ में केंद्रीय उपभोक्ता भंडारा में काम करता हूँ और वहाँ शहर के पद में काम करता हूँ। कुछ पिछले कई महीनों से मुझे जिला महामंत्री विकास तिवारी और सेक्रेटरी के भी एमएसटी से शासन प्रशासन का दबाव बना था मेरे ऊपर, छोटे मोटे दबाव मुझे फंसाने की साजिश चल रही है जो आजकल। और भंडारा के कर्मचारी सहायक अंकित मोहित कुमार के विरुद्ध में जांच की गई, जिसमें वो दोषी पाया गया और मेरे घर पर भी फर्जी तरीके से लेटर बनाकर लेकर के आया हूँ। ना तो भंडार के अंदर चेयरमैन है और मैं सेक्रेटरी, वो अपना आप ही लेटरबाजी करता है और मेरे घर पर आकर दो बार मेरे घर पर मारपीट कर आया था और उसमें मैंने उसके खिलाफ 56 दिनों मुकदमा दर्ज करा रखा, वो जांच दोषी पाया गया।
हरिद्वार के भगवानपुर विधानसभा के चोली शाबुद्दीनपुर गांव के सैकड़ों लोग तीसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक धरना जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल भी की जाएगी। इस धरने के समर्थन में भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी अपना समर्थन देने पहुंच गए। समर्थन में आए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष अमरीश कपिल का कहना है कि साल 1960 में जब आपदा आई थी तो तत्कालीन डीएम ने इन सैकड़ों परिवार को विस्थापित करके मंडावर गांव में बसा दिया था, जिसके बाद से आज तक इनके वोट, राशन कार्ड और तमाम दस्तावेज और इनकी पहचान चोली गांव से ही जुड़ी है। लेकिन अब सरकार ने इन्हें मंडावर गांव से जोड़ने का निर्णय ले लिया है, जिसका विरोध ये शुरू से ही करते आ रहे हैं, लेकिन इनकी एक ना सुनी गई, जिस कारण इन्होंने अब खुद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और ये धरना अनिश्चित काल के लिए शुरू किया गया है। ये धरना का आज तीसरा दिन है और चोली शाहबुद्दीनपुर के जो लोग हैं यहाँ के, इनको बताए बिना, किसी बिना आपत्ति के मंडावर के साथ में एडजस्ट कर दिया गया। जब इनको सूचना मिली तो ये लोग बौखला गए कि अब पता नहीं क्या होगा, जबकि इनके जो निवास है यहाँ पर, जो सरकारी भवन बने हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, सरकारी स्कूल हो, सामुदायिक केंद्र हो, वो सब चोली शाहबुद्दीनपुर के नाम से बने हैं और इनकी जो ज़मीनें हैं वो सब चोली शाहबुद्दीनपुर में है, लेकिन इनको मंडावर के साथ में एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन गांव वाले किसी भी प्रकार से मंडावर वालों के साथ में जाने के लिए राजी नहीं है और इनकी एक नहीं 100% लोगों की आपत्ति है कि हम मंडावर के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मिली भगत, चाहे इसमें नेतागण हो या फिर खनन माफिया हो, इनकी ज़मीनों पर नज़र है, उन लोगों की साजिशन के साथ, सरकार के साथ मिली भगत होने के साथ इनको मंडावर के साथ में एडजस्ट कर दिया। लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू जैसी बीमारी को लेकर अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि बरसात का मौसम आते ही जगह जगह पानी भरने के कारण डेंगू की फैलने की आशंका बढ़ने लगी है। बीते साल लक्सर में डेंगू के काफी मरीज सामने आए थे। इस बार स्वास्थ्य विभाग ने बरसात के शुरू होते ही डेंगू से निपटने के लिए सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए। लक्सर सीएससी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा के द्वारा अधीनस्थों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डेंगू की रोकथाम को देखते हुए लक्सर में आज सभी स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक ली गई, जिसमें सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करें व लोगों को साफ सफाई रखने व डेंगू के बारे में पूरी जानकारी भी दे, इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है। मलेरिया को लेकर के, मलेरिया और हमारा कोविड के साथ साथ हमने एक वर्कशॉप करी है, उसमें हमारी ANM आशाएं और AF और उसमें हमारे समाज सेवी भी हैं, तो उनको ये जाएंगी, हमारी आशाएं जाएंगी, AF जाएंगी घर घर जा करके, एक हमारा पंपलेट डेंगू के बारे में, एक हमारा कोविड के बारे में, हर आदमी को कि किसी को सांस लेने में कोई दिक्कत हो, बुखार हो, कि इससे कोई ना छिपाएं, इससे ना डरें। और अभी हमारा बरसाती सीजन शुरू हो गया है और ये मच्छर जो हमारा पैदा होता है ये साफ पानी में होता है, जैसे गमले, कूलर, घरों के ऊपर कोई हमारी कोई हंडी और ये टंकियाँ होती खाली, ये ढक्कन के साथ इनको होना चाहिए, ढक्कन उतार देते हैं, बंदर उतार लेते हैं, तो ये हर एक को ढक करके रखना, ये सब बारे सब चीज़ें बताइए इसके बारे में। तो डेंगू को लेकर जैसे ही बारिश आती है तो डेंगू बढ़ने का खतरा भी पैदा हो जाता है, जिसको लेकर यह जागरूकता अभियान वेक्टर जल जनित बीमारियां गोष्ठी द्वारा चलाया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से डेंगू से बचाव के लिए कौन कौन से वो ज़रूरी कदम है जिसे उठाया जाना चाहिए और तमाम लोगों को घर में पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए। जहाँ पर ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, चाहे वो कूलर हो या कोई बर्तन हो, उसमें ज़्यादा डेंगू के पनपने की आशंकाएं होती हैं और खतरा भी पैदा होता है, तो उसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें इन तमाम चीज़ों के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। बाहर समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।